बिहार में किसी भी लहर हो, किसी प्रकार की स्थिति बनी हो, राजद अपना वोट हमेशा सुरक्षित रख पाया है। उल्टा कई बार तो राजद ने अपनी वोट में बढ़ोतरी भी की है। लालू यादव की लेगेसी को तेजस्वी यादव ने आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उस समीकरण में कई नए समीकरण जोड़ने की कोशिश भी की। तेजस्वी यादव फंस गए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अंतिम समय में उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर मुकेश सहनी को अपने साथ लाया था, ये उनके पक्ष में गया। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के एक बहुत ही होनहार युवा नेता हैं और बिहार के डिप्टी सीएम दो बार रह चुके हैं, हाल ही में नीतीश कुमार ने सरकार पलटी थी तो तेजस्वी यादव विपक्ष में चले गए। लेकिन जो तेजस्वी यादव 2015 में नीतीश कुमार के साये बनकर उनके साथ काम कर रहे थे बिहार में, उस तेजस्वी यादव और आज के तेजस्वी यादव में बहुत अंतर है। आज तेजस्वी यादव एक बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं। उन्हें बिहार की सरकार चलाने के अलावा, बिहार के अलावा देश भर में जो एक बड़ा विपक्ष है उसमें भी एक बहुत बड़ा कद मिला हुआ है। तेजस्वी यादव भाजपा के विरोधी लहर की एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। जिस तरीके से उनके पिता ने लगातार बिहार में राजनीति की और भाजपा को अपने लाठी की नोक पर रखा, उसी तरह से तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार में भाजपा को रोकने की जो कवायद है उसे जारी रखे हुए हैं। नीतीश कुमार इसके इतर लगातार भाजपा के साथ जाते रहे हैं, कई बार भाजपा को छोड़कर आया तो तेजस्वी ने उनका हाथ संभाला, लेकिन तेजस्वी यादव कभी भी भाजपा के इस खेल में फंसे नहीं, हमेशा भाजपा की और जो भाजपा की विचारधारा है उसके खिलाफ राजनीति करते रहे। आज उनका जन्मदिन है, तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव जो कि बिहार के चार उपचुनाव जो की जो सीटें हैं उन पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन सीटों पर खूब पसीना बहा रहे हैं, अपने पक्ष में इस चुनाव के रिजल्ट को करना राजद के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है। राजद जिन सीटों पर लड़ रही है उसमें से ज़्यादातर सीटें महागठबंधन की ही सीटें हैं, बेलागंज और तरारी और उसके अलावा रामगढ़ की सीट, ये तीनों सीटें महागठबंधन की सीट है। इसमें से दो सीटें तो राजद की गढ़ हैं। इन सारी सीटों पर अगर हम इमामगंज की बात छोड़ दें तो राजद ने बढ़त भी बनाई थी, महागठबंधन के पक्ष में 2024 में भी चुनाव रहा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के लिए ये सीटें नाक की लड़ाई की स्थिति में भी कहीं ना कहीं चली जाती हैं। तेजस्वी यादव जो कि 2025 में राजद और महागठबंधन की तरफ से प्रस्तावित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनके लिए यह सीधी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव के इस चार सीटों के रिजल्ट से उनके कार्यकर्ता, उनके साथ जो लोग लगातार खड़े रहते हैं, उनकी पार्टी और उनके समर्थकों में एक उत्साह आ सकता है। ये उत्साह आने वाले चुनाव के लिए एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल जिस महागठबंधन की कल्पना उन्होंने बिहार में की थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतीश कुमार के साथ लेकर जाने वाले थे, जिसमें नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं रोड़ा अटका दिया, इसके बाद बिहार का ये महागठबंधन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आसपास के राज्यों में 2024 में जिस तरीके से इसी प्रकार के गठबंधनों ने भाजपा को रोकने का काम किया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है, फिर झारखंड में भी हमने देखा, बंगाल में हम लगातार ये देख रहे हैं, अब बिहार में भी तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़े परीक्षा की घड़ी है। तेजस्वी यादव 2024 में भले ही महागठबंधन को बहुत बेहतर स्थिति में बिहार में ना ला सकाए, लेकिन उन्होंने जो 39 सीटें पिछली बार एनडीए जीती थी उस पर तो ब्रेक लगाया और 10 सीटें इस बार महागठबंधन के फाते में गई हैं। लेकिन 2025 का चुनाव 24 से बिल्कुल अलग होगा, बिहार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर होगा, बिहार की एक जातिगत राजनीति है उस पर आधारित होगा, जिसमें राजद के पास हमेशा ही अपर हैंड रहा है। बिहार में किसी भी लहर हो, किसी प्रकार की स्थिति बनी हो, राजद अपना वोट हमेशा सुरक्षित रख पाया है। उल्टा कई बार तो राजद ने अपनी वोट में बढ़ोतरी भी की है। ये अलग बात है कि राजद भले ही सत्ता के सुख को भोग ना पाया हो, सत्ता में आ ना पाया हो, लेकिन राजद ने हर बार प्रदर्शन अपना बेहतर किया है। तेजस्वी यादव के आने के बाद से राजद का प्रदर्शन और बेहतर हुआ है। लालू यादव की लेगेसी को तेजस्वी यादव ने आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उस समीकरण में कई नए समीकरण जोड़ने की कोशिश भी की। एक समय तेजस्वी यादव ने जब A to Z की बात की थी तब लगा था कि ये एक कल्पना मात्र है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने फैसलों और पार्टी में समावेश के तहत कई लोगों को जोड़ने का काम भी किया। इसके तहत उन्होंने भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत,
कई समाज के लोगों को जो राजद में मुख्यतः उनको स्थान नहीं मिल पाता था उन्हें भी स्थान दिया। अपने पिता की राजनीति की तरह तेजस्वी का एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सफल भी रहा, लेकिन चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने वापस MY की तरफ रुख किया। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस 2020 के चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ विधानसभा की, जिसमें कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से तेजस्वी यादव इस बैतरणी को चुनावी पार नहीं कर पाए, जिसके चलते तेजस्वी यादव फंस गए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन इस बार वो चूक उनसे नहीं होने वाली है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अंतिम समय में उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर मुकेश सहनी को अपने साथ लाया था, ये उनके पक्ष में गया। अगर मुकेश सहनी को आप महागठबंधन के चुनाव की रणनीतियों से बाहर कर देते हैं 2024 के, तो एक बहुत ही साधारण चुनाव पिछला कहा जा सकता है महागठबंधन के लिए। लेकिन मुकेश सहनी के आने के बाद से जो हेलीकॉप्टर यात्राएं हुई, जिस तरीके से संतरा और मछली दिखाकर नागपुर तक को हिलाने की कोशिश की गई मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की यात्राओं के द्वारा, हेलीकॉप्टर यात्राओं के द्वारा, ये निश्चित ही भले ही चुनाव बहुत अच्छा ना गया हो, लेकिन इन बातों पर निश्चित ही भाजपा और उनके समर्थकों को एक बड़ा झटका दिया गया इन बातों से। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बिहार में 4 सीटों के उपचुनाव में पूरा महागठबंधन एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सीटों का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन चुनाव प्रचार में कहीं भी मुकेश सहनी नजर नहीं आते हैं। उल्टा जब तेजस्वी यादव झारखंड जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां कांग्रेस और वहां के जो दल है वो गठबंधन के, वो तेजस्वी यादव के साथ और राजद के साथ वो न्याय नहीं करते हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। किसी तरह से तेजस्वी यादव जो सीटें लेते हैं उन सीटों पर लड़ने की तैयारी झारखंड में करते हैं, लेकिन कांग्रेस के हॉस्टाइल बिहेवियर के चलते तेजस्वी यादव को झटका जरूर लगता है। कितनी सीटें जीतेंगे झारखंड में वो तो रिजल्ट के दिन समझ में आएगा, लेकिन बिहार की 4 सीटों पर निश्चित ही राजद का पलड़ा भारी है। जन स्वराज ने आकर निश्चित ही थोड़ा सा समीकरण जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की है। किसी सीट पर वो भाजपा का काम बिगाड़ रहे हैं, किसी सीट पर जदयू काम बिगाड़ रहे हैं, तो किसी सीट पर राजद का भी काम बिगाड़ रहे हैं। निश्चित ही रामगढ़ की लड़ाई मजेदार हो गई है। इसके अलावा बेलागंज में भी जो मामला है वो फंस गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इमामगंज की, तो वहाँ NDA बैकफुट पर नजर आ रहा है। ऐसे ही कई सीटें हैं, तरारी की भी सीट है जिस पर विवाद हो सकता है, पेच फंसाने की कोशिश सभी पार्टियाँ कर रही हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव लगातार पूरे चुनाव में अकेले घूम रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, वो अब देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी को साथ लेकर घूम रहे हैं। हमने खबरें भी चलाई थी इस पर कुछ दिनों पहले कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे हैं। शायद हो सकता है कि मुकेश सहनी ने जो बयान दिया था कि इस बार 40 विधायक जिता कर लाएंगे, जिसके लिए मुकेश सहनी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है। निश्चित ही मुकेश सहनी का जो दावा है इस बार महागठबंधन में वो 50+ सीटों का है, लेकिन जो अंदर के सूत्र हैं वो ये जानकारी देते हैं कि मुकेश सहनी 50 सीटों पर भी शायद मान जाए। अब दिक्कत यहाँ ये है कि तेजस्वी यादव क्या वो 50 सीटें दे पाएंगे मुकेश सहनी को। देखिए, तेजस्वी यादव पिछली बार 70 सीटें दी थी कांग्रेस को, जिसमें मात्र 19 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई। उसके बाद तेजस्वी ने बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन लालू यादव ने भी बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी सत्ता के उस शिखर तक पहुंच नहीं पाए। ऐसे में क्या कांग्रेस वाला जो गलती है वो तेजस्वी रिपीट करेंगे? देखिए, मुकेश सहनी के पास NDA से भी ऑफर्स हैं, ये हमने आपको कई बार बताया है। NDA के कई नेता ये दावा करते हैं कि मुकेश सहनी NDA में ही आएंगे अंततः। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, अंतिम समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तो मुकेश सहनी उठे और उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ, और अगले ही दिन वो चले जाते हैं भाजपा के साथ। भाजपा उन्हें 9 सीटें दे देती है और उसमें कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और 4 सीट वो जीत कर भी आते हैं। जिन 4 विधायकों की महत्ता बिहार के सरकार में काफ़ी थी, बाद में जब महत्वाकांक्षी हो जाते हैं मुकेश सहनी और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, भाजपा को औकात दिखाते हैं, तो उसके बाद उनके 4 विधायकों को तोड़कर उनकी पार्टी को भी कहीं ना कहीं झटका देने की कोशिश भाजपा करती है। लेकिन जो मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों में झटका खा चुके हैं, वो भी अब एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वो भी समझ गए हैं कि कुछ बात इशारों में भी की जा सकती है, राजनीतिक दबाव भी बनाया जा सकता है। जैसे ही चुनाव प्रचार का दौर आया, वैसे ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो 40 विधायक तो जिताएंगे ही, निश्चित ही 50+ सीटों पर उनका दावा हो जाता है इसके कारण। लेकिन उस दावे पर मुहर तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगानी है ना। लेकिन जिस तरीके से इस बयान के बावजूद मुकेश सहनी को अब साथ लेकर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं,
जानकार बता रहे हैं कि मुकेश सहनी की ये जो अघोषित मांग है इसे स्वीकार कर लिया है तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस जिससे तेजस्वी यादव का पिछले 2024 के चुनाव में बिहार में भी बहुत नहीं पटा, पप्पू यादव भी एक बड़ा फैक्टर रहे हैं, कई बागी प्रत्याशी कांग्रेस के रहे हैं जो बड़ा फैक्टर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने देखा कि तेजस्वी और लालू एक तरह से मोनोपोली स्थिति में आ गए बिहार में और उन्हें सीटें बिना कांग्रेस से बात किए हुए बांटने लगे, जिसके चलते कांग्रेस बिहार में हास्य का पात्र भी बनी पिछले चुनाव में। अब वही बदला कांग्रेस झारखंड में ले रही है, तो ये विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस वर्तमान गठबंधन में रहेगी भी या नहीं बिहार में, इस पर भी बड़ा संशय है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस की जगह बिहार में MYM यानी मुस्लिम यादव और मलाह इस समीकरण पर तेजस्वी काम करने लगे हैं और मुकेश सहनी की जो अघोषित मांग है इस पर लगभग मुहर सी लग गई है, वरना मुकेश सहनी बिना किसी कंफर्मेशन के या बिना किसी बातचीत के तेजस्वी के साथ इस चुनाव में घूमते नजर नहीं आते। 4 सीटों में किसी भी सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी लड़ नहीं रही है। जहां चुनाव हो रहे हैं उनमें से कुछ सीटों पर ही जो मलाह वोटर्स हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। ऐसे में मुकेश सहनी का तेजस्वी के साथ घूमना निश्चित ही इस बात का परिचायक है कि तेजस्वी ने मुकेश सहनी की जो अघोषित मांग है उसे मान ली है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।